जाते हैं। ईगो नहीं, देखो जिस आदमी ने पूरी जिंदगी सबको उड़ाया हो परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आपको ऊपर वाले ने इज्जत दी ना, तो आपको हम्बल होना चाहिए। वो हमेशा ना सारी जिंदगी फ्रस्ट्रेशन में जिए, मुझे लगता है कि मुझे क्रेडिट नहीं मिला, मुझे क्रेडिट नहीं मिला, मुझे क्रेडिट क्रेडिट पब्लिक में जाके जाने मतलब चीखने से नहीं मिलता। अब मैं यहां पे बोलने लग जाऊं स्पोर्ट्स आर द ग्रेटेस्ट, हमें नहीं कोई पूछ रहा, बाकी सारे भाड़ में जाए, लोग बोलेंगे पागल है क्या तू यार, जो पसंद आ रहा है जो वो बोलेंगे कि पसंद आ रहा है। अब धोनी भाई की इज्जत अलग है, धोनी ने कभी किसी को जाके बोला है वैसे कि मैं ग्रेटेस्ट हूं? कभी नहीं यार, एक बार सुना है तो बुला लिया था पीयूष, एक बार कभी सुना है कि धोनी ने कभी किसी को जाके बोला कि मैंने जिताया है? अच्छा धोनी ने कभी किसी को ऐसे भी बोला है, ये तो छोड़ दो कि मैंने जिताया कि वो नहीं जीता, कभी धोनी के धोनी से अगर आप एबी डिविलियर्स के बारे में पूछोगे क्या वो ये जवाब देगा कि वो तो कभी कोई जीता तो है नहीं? कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेंगे, बोलेगा ही इज अ ग्रेट प्लेयर, वो 360 खेलता था, उसकी शॉट्स इतनी थी। आप एबी डिविलियर्स को उड़ाने में आपने कसर नहीं छोड़ी, आरसीबी को आपने एकदम से बोल दिया कि बहुत बड़ा समझते हैं हम, आपको जीतते तो है नहीं। रवि शास्त्री को अपने कोच को जीते तो है नहीं, मेरे ख्याल एक ऑडी जीती थी उन्होंने, ऑडी जीती थी भाई, वो चैंपियन ऑफ चैंपियन 85 की वर्ल्ड सीरीज थी, इंडियन 83 वर्ल्ड कप को भी विनर है भाई, पहला वर्ल्ड कप उसने जीता, कुछ नहीं है उसने, मतलब आपको इतना ज्ञान नहीं है कि रवि शास्त्री ने वर्ल्ड कप जीता हो, उसने कहा कुछ नहीं जीता, ऑडी जीती थी उसने, ऑडी क्या उसने क्या लॉटरी में जीती थी, ऑडी खेल में जीती थी भाई, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियन ऑफ चैंपियंस था रवि शास्त्री। और आपको ये बात पता है, रवि शास्त्री आज तक किसी भी सिटी में उतरे उसको फ्री ऑडी अवेलेबल है, कि वो जाए एयरपोर्ट से उसको ऑडी मिल जाए, इतनी इज्जत है आज तक। वो पहली ऑडी थी इंडिया में जो उसने जीती थी वहां पे, ऑस्ट्रेलिया में वो पूरा आपने किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को हराया था। किसको हराया था आपने? पाकिस्तान को हराया था आपने, पता है आपको? हाँ जी, पाकिस्तान को, पाकिस्तान को हराया था आपने, उधर जीती थी जब आपने ये ऑडी, दो बार हराया था, एक बार भी नहीं, सुनील गावस्कर कप्तान थे, तो आप जबरदस्ती के। और रवि शास्त्री तो फिर भी देखो बड़प्पन वाली बात करी, यार गौतम गंभीर को थोड़ा टाइम लगेगा बोलने को, वही बोल सकता था ये चौड़ा होता है जीता तो है नहीं, श्रीलंका मुंह काला करा के आ गया, यहाँ पे हार गया। तो आपने जो जिंदगी भर जिस तरीके की बातें करी है ना, आपको वो कर्म फेस करने पड़ रहे हैं। आपने रवि शास्त्री को नहीं छोड़ा, एबी डिविलियर्स को नहीं छोड़ा, आरसीबी को नहीं छोड़ा, आप विराट से क्या था वो? एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, धोनी से तो हमेशा ही नजर ही आता ना, छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। अरे भाई सबको बताया कि एक छक्के ने नहीं जीता है, क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम, ये लगता है कि आप जेलस हैं यार, मैं इतना बड़ा प्लेयर हूं, मुझे क्रेडिट हर बात, क्रेडिट 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 नहीं मिला, क्रेडिट नहीं मिला, अब ले लो क्रेडिट, ले लो सब दे रहे, तुम्हें क्रेडिट दे रहे सारी दुनिया, तुमने हरवाया तो सारी क्रेडिट मिल रही है धोनी से, तो तुम क्रेडिट ले नहीं पाए। धोनी तो आज तक भी राजा ही है, बादशाह है वो, तो उसको तो ऊपर वाले ने जो इज्जत दी है कोई नहीं ले सकता उससे, और उसने कभी डिमांड भी नहीं करी, वो तो अपना फार्म हाउस में रहता है, पब्लिक में आता भी नहीं, ना कोई कॉमेंट देता है, एक नेगेटिव चीज वो आदमी नहीं बोलता किसी के बारे में, तुमने एक पॉजिटिव चीज नहीं बोली कभी गलती से, पॉजिटिव चीज किसी वाले में, बाबर आजम की अलग ही क्वालिटी है, फायर पूरा वर्ल्ड कप बर्बाद हो गया उसका। खैर गौतम गंभीर के लिए है भाई कि अब मेरे ख्याल से ना ये हम्बल करने का टाइम आया गौतम गंभीर के ऊपर, कि आपने जब दुनिया से परफॉर्मेंसेज मांगी ना, तू बता तू क्या जीता, तू क्या जीता, तू क्या जीता, अब आपसे पब्लिक पूछ रही है भाई आपने क्या करा ये बता दो, आप तो जीते हुए भी थे, मुश्किल है उनके लिए सवाल, अगर उस दिन दो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 97 मारे थे, लास्ट सेकंड रह के मैच जिताते, विनिंग शॉट लगाते, एंड मैं आपको बोल रहा हूँ क्यों नहीं, पूरी दुनिया ने वो मैच लाइव देखा, हम सबने, हमारी जिंदगी का वो बहुत अच्छा मोमेंट था कि हमने लाइव पहली बार इंडिया वर्ल्ड कप जीते हुए देखा है। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो 97 पे जो वो बोल्ड हुए हैं उससे पहले उन्होंने एक बहुत रैश शॉट खेली, बहुत ही गंदी शॉट खेली, ऐसा ही लप्पा खेला, वो मरते मरते बचे, धोनी लिटरली जाके चिल्लाया उनके ऊपर, और मुझे पसंद भी नहीं आया जिस तरीके से चिल्लाया, लेकिन बनता था, धोनी जाके चिल्लाया कि क्या कर रहा है, 100 बना भाई, आप जाके देखिए दोबारा, वो जाके चिल्लाया, उसने आपको मना किया, साफ स्क्रीन में पता चल रहा है, फिर आप नहीं माने, आप बोल्ड हो गए, फिर वो मैन ऑफ द मैच बन गया, अब आप आज तक रो रहे हो, आपकी ईगो बहुत बड़ी है, अब आप आज तक रो रहे हो, आप उस टाइम पे, आप उस टाइम पे उसकी बात ही मान लेते ना, आपका 100 हो जाता, मैन ऑफ द मैच आपको मिल जाता, आपने उसकी बात नहीं मानी, आप बोल लो क्या बनते हैं, वो पहले जो फाइनल्स में सेंचुरी मार रहे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, आज तक कोई नहीं है, आपको प्लेयर ऑफ द मैच मिलता, आप फाइनल जिता देते, आपका 100 बन जाता, सब कुछ हो जाता, और आयरनी देखो, दोनों फाइनल्स में रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच एक में भी नहीं मिला, 2007 वाले में इरफान पठान को मिला था, और 2011 मैं कहता हूँ 2007 वाला तो फिर भी चलो मिल सकता था, लेकिन 11 वाला यार उनका बनता था, मैच जीता लास्ट तक रह जाते, चलो छोड़िए यार ये बातें पांडे जी, आप
अभी गंभीर वाले आएंगे वो बोलेंगे भाई ऊपर से दो विकेट चली गई थी तो संभाला तो उन्होंने, तो उसके लिए तो कौन मना कर रहा है भाई, हर कोई ग्रेट प्लेयर है कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी तो जवाब नहीं आ सकते, अभी तो जवाब देना बच्चों वाली हरकत है, सही बात है वो तो पूरी कभी ना पता है उम्र के साथ ना आपको ना थोड़ा सा मैच्योर हो जाना है 100% आपके जो डायलॉग बाजी है उसमें अभी भी ना बड़ा सा फ्रस्ट्रेशन छलकता है साफ, फ्रस्ट्रेटेड आदमी पसंद नहीं आता पब्लिक को यार, अगर पब्लिक ने धोनी को इतनी इज्जत दी है, एबी डिविलियर्स को इतनी इज्जत दी है, अगर उन्होंने आरसीबी को इतना प्यार दिया तो वो आपके बोलने से छिन नहीं जाएगा, सही बात है, आप उसको बोल के अपने को क्रेडिट नहीं ले सकते, कभी बोल के क्रेडिट नहीं मिलता भाई, काम करके ही मिलता, आप काम करते रहो आगे मिलेगा, और आप अभी देखो केकेआर जीती, आपको इज्जत नहीं मिली, सारा क्रेडिट ही गंभीर को मिला, आपने एक डायलॉग नहीं बोला ना, आप सिर्फ आए डगआउट में बैठे और आप चैंपियनशिप जीत गए, और उसकी वजह से आप इंडियन कोच बन गए, हालांकि आप वहां पे कोच नहीं थे, आप वहां मेंटर थे, चंद्रकांत पंडित कोच थे, राइट, तो आपको कितनी इज्जत मिली, बट शायद वो इज्जत इसीलिए मिली कि यहां बेइज्जती होनी थी, हो सकता है ये कर्म थे, कर्म के सही बात है, सुपर चार्ज दिखा दीजिएगा, कर्म करे बहुत, गलत कर्म करे, गलत कर्म करे बहुत, मैंने कर शर्म आनी चाहिए, आगे नहीं गा सकते हम गेम रखे निकाल लीजिए बड़े हमसे पंगा, अरे निकालो यार, आंसू पर हम गेम रखे यार सुपर।